Lord of Baba. नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं अशर व्लॉग्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अख्तर लावा लाहौर दा पावा, अख्तर लावा पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। ना सिर्फ एशियन लोग बल्कि बैरूनी ममालिक के तमाम वो लोग जो कि अंग्रेज़ हैं वो भी ये कहने पर मजबूर हैं कि लाहौर दा पावा अख्तर लावा। बिल्कुल इसी तरह की एक सेंसेशन मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने रातों रात एक गाना बनाया और चंद मिनट के अंदर गाना बना के वो डालते हैं और रातों रात कई मिलियंस व्यूज़ को बटोर लेते हैं और कई फैन फॉलोइंग जो है अपनी वो गेन कर लेते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आइए इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, जिस तरह के जानते हैं लाहौर दा पावा अख्तर लावा, ये आपका एक सॉन्ग जो है आपने कितनी देर में बनाया था, क्या क्रिएशन थी, जहन में क्या चल रहा था और किस तरीके से आपको ख्याल आया कि ये गाना बनाया जाए? एज अ रैपर मेरा काम है लिखना, तो जब से ये वायरल हुआ था ट्रेंड लावे वाला, इनके मुक्के के स्टाइल वाला, इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई मजाक में, फन में दोस्त के साथ मिलके। सो वो हमारी वीडियो 200-300 के चली गई थी, तो उसके बाद हमने ये प्लान किया कि इसके ऊपर गाना बना लेते हैं। तो 10 मिनट में मैंने इसको गाने को लिखा और 2 घंटे में मेरे जो टीममेट हैं प्रोड्यूसर हैं उन्होंने इसको मिक्स मास्टर करके हमने अपलोड किया और सुबह अल्हम्दुलिल्लाह वाले। अच्छा, ये बताइए अभी तक कितने मिलियन व्यूज आ चुके हैं गाने पर? तकरीबन कुल मिला के टोटल व्यूज 3-4 मिलियन हो गए होंगे। कितने लाख लोगों ने इस गाने को इस्तेमाल किया प्लेटफॉर्म पर? तकरीबन 10,000 टिकटॉक पे जो है लोग वीडियो बना चुके हैं, बाकी जो है तकरीबन 1K 2K+ शेयर्स हो चुके हैं फेसबुक पे और बाकी प्लेटफॉर्म पे काफी वायरल गए। लाहौर दा पावा अख्तर लावा, आपका गाना ये मशहूर है, जाहिर सी बात है स्टाइल किसी और का है, तो जब ये गाना बना रहे थे सिग्नेचर स्टाइल जहन में आता था और करते थे कि नहीं? बिल्कुल, सबसे पहले इनका सिग्नेचर साउंड ही जो था ना, जरा करके दिखा देना। बिल्कुल, लाहौर दा पावा अख्तर लावा ये स्टाइल जो है ना, इस स्टाइल के ऊपर बाकी गाना तो वो बिल्कुल ईजी था लिखना है। अच्छा, ये बताइए जब आप गाना लिख रहे थे उनकी शक्ल तो मंडलाती होगी, जिस तरह आप किसी चीज को भी सोचते हैं ना वो शक्ल बन के आती है, तो बार बार आपको वो मुक्का आता होगा लाहौर दा पावा अख्तर लावा, इस तरह का सीन था या ना? बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे जब मैंने लिखा था लाहौर दा पावा अख्तर लावा उनका स्टाइल था, उसको मैंने जब बीट पे लेकर आया ना, तो जब वीडियो हमने रिलीज की तो लोग बोर नहीं हो रहे थे, उसको एंजॉय कर रहे थे कि हालांकि इतनी दफा उस चीज को मैंने ऐड किया बट उन लोगों ने बोर नहीं किया, उस चीज को वो एंजॉय किया। बाकी उनका जो स्टाइल था, एक वो गली में खड़े होके कर रहे हैं, छत पे खड़े होके कर रहे हैं, छोटे कर रहे हैं, बड़े कर रहे हैं, वो सारी चीजों को मैंने कंबाइन करके गाना बनाया। वायरल ट्रेंड को और वायरल कराना, ये ख्याल कहाँ से है? मुझे नहीं लगता था कि ये वायरल ट्रेंड मेरा वाला इतना वायरल चला जाएगा, मैंने तो एज अ फन इसको लिया था और एज अ फन में मैंने इसको अपलोड किया, वो वायरल हो गया, तो ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का करम है। इस तरह का कोई गाना अभी तक वायरल हुआ है आपका? नहीं, इससे पहले काफी प्रोफेशनल गाने कर चुका हूँ बट वो इस तरह वायरल नहीं जा रहे थे। यानी कि चवला ही चल रही है आजकल? बिल्कुल, मेरा ये है पब्लिक से हमारी क्वेश्चन है कि प्लीज काइंडली इस चीज को समझें, टैलेंट को समझें, आर्टिस्ट को सपोर्ट करें, जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको भी सपोर्ट करें, ना कि सिर्फ छोटी सी चीज को लेके इतना ऊपर ले जाएं। अच्छा, ये बताएं लाहौर दा पावा अख्तर लावा, इनके साथ मोहब्बत कितनी है? देखिए, मोहब्बत है तो इसके लिए इनके ऊपर गाना बना दिया, अदरवाइज मैं गाने बनाता नहीं हूँ, बट वो लाहौर से हैं, एक तो इस चीज़ का प्यार जो है ना उभरा गाने के अंदर, बाकी उनका स्टाइल इतना एग्रेसिव टोन पसंद आई उनकी, जो उनका सारा एक हुलिया उनका जो, तो वो पसंद आया शायद इसलिए। वो एग्रेसिव भी है लेकिन थोड़ा सा फ़नी भी है, तो उनकी जो फ़नी वाली एक फील आती है वो आपने गाने में कहीं डाली? देखिए, गाने में उनकी फनी वाली फील यही है कि सड़क पे भी खड़े होकर कर रहे हैं, छोटा है वड्डा है सारे कर रहे हैं, तो दैरी जाते नस जो लावा जाता फट, तो ये सारी चीज़ें मैंने मिक्सचर उसका बना। अच्छा, ये बताए पावा 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 और पावा, क्या सुबह नाश्ते में पावा पसंद करते हैं? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह लोहरी है गया तो पावे तो फिर पसंद करेंगे। 4 पाई के 4 पावे आपको मिला के पूरे हो जाते हैं, क्योंकि 4 पावे अभी तक मैं तलाश कर चुका हूँ, तो ये बताइएगा सर पावे के साथ कब तक मुलाकात हो रही है? देखिए, उनकी टीम से तो कांटेक्ट हो चुका है, उनकी टीम तक मेरी आवाज़ चली गई है, मेरी बात शेयर कर दिया लोगों ने, बट अब देखें उनकी तरफ से कब रिस्पांस आता है, तो वो हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं। कोई आगे फ्यूचर प्लान है उनके साथ गाना शाना करने का? जी, जब वो हमारे स्टूडियो आएंगे उसके बाद देखेंगे उनके साथ कैसी गपशप होती है, और फिर उसके बाद कोलैबोरेशन जो भी गाना शाना करना हुआ तो इंशाल्लाह मिलके करेंगे। अच्छा सर, ये जो लाहौर दा पावा अख्तर लावा कुछ सुनाए भी? जी बिल्कुल, सुना देते हैं। लाहौर दा पावा अख्तर लावा, 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 आया चौधरी अख्तर 008, लाहौर दा शहर किसी तो नहीं कट, वैरी जांदे नस जदों लावा जांदा फट,
स्टाइल दा मुक्ति आला पैनी को सट पिंड होवे शहर होवे सड़क या छत छोटा होवे वड्डा होवे लगी को लत सारिया दे मुंह उते लगी को रट बोलो की लोड़दा पावा अख्तर लावा लोड़दा पावा अख्तर लावा लोड़दा पावा अख्तर लावा लोड़दा पावा अख्तर लावा। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना लाहौर दा पावा अख्तर लावा और एक खूबसूरत गाना एक खूबसूरत कहानी के साथ आपके सामने आपका मेज़बान मोहम्मद अशर हाजिर था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इस तरह की बहुत सारे टैलेंट को पाकिस्तान में उजागर करने के लिए इंशाल्लाह हम कोशिश रहेंगे। अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को इजाज़त दीजिए। वसलाम।